जमीयत उलेमा ए हिंद मध्य प्रदेश के नए हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद खान साहब का पहली बार नगर आगमन पर नसरुल्लागंज वासियों ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। वहीं फूल मालाओं से भी भव्य स्वागत किया गया। नाके वाली मस्जिद नूर में इस्तकबालिया जलसे में हजरत ने सभी लोगों से कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद वो जमात है जिसने देश की आज़ादी में बराबरी से लड़ाई लड़ी, हर भलाई के काम करती रही। जब तक आप यूनिटी नहीं बनाएंगे तब तक तरक्की नहीं कर सकेंगे। गरीबों की मदद करें, गरीब यतीम लड़कियों की शादी कराएं, अपने बच्चों को दीनी तालीमी दें। आज के दौर पर भी समझाया कि इस मौके पर पांचों मस्जिद के इमाम मुअज्जिन जमीयत उलमाए के तहसील अध्यक्ष मुफ्ती सैयद उस्मान गली, जिला प्रवक्ता रियाज खान, अफसर हसन शामिल हुए। नसरुल्लागंज से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट। तो तकलीफ परेशानी हो तो उसकी मदद के लिए खड़ी हो, हर इलाके में हर वार्ड वाइज बॉडी बने और उससे हमारे पूरे सूबे में हमारे प्रदेश में अमन होगा, प्यार मोहब्बत होगी, कहीं परेशानी हो कहीं तकलीफ हो। अभी शिवपुर शोपुर में बाढ़ आई, हमने वहाँ का सफ़र किया और हमने वहाँ के लोगों से कहा, हमारी मुकामी जमीयत से कहा कि भैया खाना तकसीम किया जाए, पानी तकसीम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह शिवपुर शोपुर में खाना पानी तकसीम हो रहा है। अभी इंशाल्लाह हमने इरादा किया है, कुछ पैसे हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं, उसका कलेक्शन चंदा करके फिर हम वहाँ के जो मकान उजड़ गए जो बर्बाद हो गए उनकी भी मकानों से हम मदद करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत पूरे सूबे में पूरे और हर इंसान के लिए, इन्हीं जैसे मुसलमानों के लिए, हम हिंदुओं के लिए भी काम करना चाहते हैं ताकि कोई हमारा हिंदू भाई कोई हमारा मुसलमान भाई परेशान ना हो, उसके लिए जमीयत उलमा आगे आए और काम करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जमीयत उलमा का काम है और हमारे हम सब के बड़े हम सब के सरपरस्त और हमारे इस मुल्क। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज़ को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।